हाय गाइज, स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल सी एम सी आई टी प्रोग्राम में। दोस्तों, आज की ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 में माउस बटन का कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करना, माउस का पॉइंटर चेंज करना, माउस को पॉइंटर का स्पीड सेटिंग करना, और साथ ही जानेंगे माउस को बटन को डबल क्लिक स्पीड मेंटेन करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। यहाँ पे जब भी ये देख रहे हैं आपको ये स्टार्ट बटन है, और ये जो टास्क बार है जिसमें आपको स्टार्ट बटन आपको लेफ्ट डाउन बॉटम कॉर्नर में दिया गया है। यहाँ में जब भी क्लिक करेंगे तो इस तरह का मेनू अपीयर्स होगा, और यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल में क्लिक कर देना है। जब भी क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, और बहुत सारे आपको आइकन्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। और सब जो है सिस्टम के लिए मेंटेन किया गया है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, माउस को कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करना है, तो यहाँ पे जा करके क्लिक कर देना है। जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5 टैब्स यहाँ पे दिए गए हैं यहाँ पे जो है, और माउस प्रॉपर्टीज़ जो है आपको ये डायलॉग बॉक्स का नाम है। यहाँ से आपको बटन कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंटर सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंटर के स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है आपको बटन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देख रहे हैं माउस तो दिया गया है, यहाँ से स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन्स, यहाँ से आपको लेफ्ट और राइट का माउस का जो फंक्शन है हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो लेफ्ट का फंक्शन आपको राइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और राइट बटन का फंक्शन लेफ्ट बटन में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जब भी हम अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं, जब भी अप्लाई करेंगे राइट क्लिक करना होगा, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका है, और राइट क्लिक करने से आपको ये ओके होगा, मैं क्लिक होगा। अब जब भी हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो मेन्यू आएगा, राइट क्लिक में ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरह बटन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हम कर सकते हैं। अगर फिर पहले की तरह लाना है तो यहाँ से क्या करना होगा, रिमूव कर देना होगा, और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना होगा और ओके करना होगा, ठीक है। फिर जब भी हम आपको राइट क्लिक करते हैं तो मेन्यू आएगा, लेफ्ट क्लिक में ओपन होगा, अब सिर्फ पहले की तरह सिस्टम फिर चेंज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक स्पीड, यहाँ स्लाइडर को मूव करके आप जो डबल क्लिक स्पीड है, किसी भी आइकन को, फाइल को या फोल्डर को ओपन करते हैं, तो अगर स्लो करेंगे तो आपको स्लो में ओपन होगा, फास्ट करेंगे तो फास्ट में ओपन होगा। यहाँ से हम डबल क्लिक स्पीड सेट कर सकते हैं। पॉइंटर्स, देखिए पॉइंटर्स जो है यहाँ पे बहुत सारे पॉइंटर्स दिए गए हैं। अभी ये पॉइंटर सिलेक्ट है, आप जो भी पॉइंटर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो पॉइंटर आपको मौजूद होगा। यदि यूज डिफ़ॉल्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में ये पॉइंटर है, जब भी आप अप्लाई करते हो और जब भी आप ओके करते हो तो यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मल पॉइंटर ओपन है, ठीक है। फिर अगर आप सेट करना चाहते हैं दूसरा पॉइंटर, तो जब भी आप पॉइंटर में जाएंगे, पॉइंटर में जा करके आप मान लीजिए ये पॉइंटर आप चूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ से ब्राउज में क्लिक करते हैं, या फिर यहाँ से आप चूज़ करते हैं कोई भी पॉइंटर, तो जब भी आप जो पॉइंटर लेते हो तो वो पॉइंटर क्या होगा, आपको सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं तो क्या होगा, आपको पॉइंटर सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पॉइंटर के बाद आपको जो है यहाँ पे, अगर आपको यूज डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट पॉइंटर लाना है तो इसमें क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं पॉइंटर ऑप्शन। पॉइंटर ऑप्शन में क्या है, आपको यहाँ से सिलेक्ट अ पॉइंटर स्पीड, ये जो आपको स्लाइडर है यहाँ अगर इधर ट्रैक कर देते हैं तो बहुत स्लो पॉइंटर आपको जो माउस बहुत स्लो काम करेगा, क्योंकि आपको पॉइंटर का स्पीड आपको स्लो हो चुका है, ठीक है। अगर फास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर दीजिए, और जब भी आप अप्लाई करेंगे और ओके करते हैं तो इस तरह का आपको पॉइंटर फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर इसी में पॉइंटर में, पॉइंटर ऑप्शन में हम इसे स्लो कर देते हैं, अगर हम ओके करते हैं, देख रहे हैं पॉइंटर एकदम स्लो हो चुका है, अब काम करने में बहुत आपको दिक्कत होगी, इसीलिए पॉइंटर जब भी आपको मीडियम रखना है, ना फास्ट रखना है ना स्लो रखना है। पॉइंटर ट्रेल्स, इसमें क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, ये पीछे जो है पुच्छर पान से इस तरह का आपको डिस्प्ले होगा। अगर पॉइंटर को आपको टाइपिंग जब करते हैं उस वक्त हाइड करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन सब अप्लाई हो जाएगा। व्हील, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है आपको वर्टिकल स्क्रोलिंग और हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग के लिए यहाँ पे दिया गया है। और हार्डवेयर, ये जो पॉइंटर है, आप माउस जो है, माउस का जो नाम का HID कंपेटिबल माउस यूज़ किया गया है, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं इस तरह, ये जो प्रॉपर्टीज़ है माउस का, ठीक है। ड्राइवर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, ठीक है, HID कंपेटिबल माउस है। तो इस तरह हम माउस को कॉन्फ़िगरेशन को, पॉइंटर को, पॉइंटर के स्पीड को कंट्रोल
कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म होता है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे बहुत सोशल मीडियाज़ हैं, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सोल्यूशन कर सकूँ।